मेरा टॉपिक जो है डाटा सिक्योरिटी, इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, कौन कौन से इश्यूज हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। थोड़ा सा हम बेसिक बात कर लेते हैं जो हमारे प्रीवियस सेशंस में हुआ है। बच्चों, आपने प्रीवियस सेशंस में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पढ़ा, कैसे हम डेटा को ऑप्टिमाइज करके उसको सर्च कर सकते हैं। और नेक्स्ट में कुछ आपने जो नेक्स्ट लेक्चर था उसमें आपने गूगल सर्विसेज के बारे में पढ़ा। बहुत सारी जो गूगल सर्विसेज हैं हमारे, जो अभी चल रही हैं, गूगल ने स्पॉन्सर्ड की हैं। जैसे हमारे पास डिजी लॉकर है, गूगल फॉर्म्स है, गूगल चार्ट्स वगैरह हैं। तो आपने सभी चीज़ का यहाँ पे ज्ञान लिया। अब मेन बात है जिस पे ये वर्क हो रहा है, डेटा की बात करते हैं हम। तो जो डेटा है, डेटा एक टाइप का जो ये है, ये रॉ फॉर्म में होता है। रॉ फॉर्म की एक इन्फॉर्मेशन होती है जिसको हम किसी भी, चाहे वो आपका सिस्टम हो और डेटाबेस हो कंपनीज का, नेटवर्क सर्वर्स हो, इसके लिए बहुत सारे जो नेटवर्क सर्वर्स हैं उन पे भी हम इसको स्टोर कर सकते हैं। एंड अदर प्लेसेस, जो भी आपके स्टोर करने की जो चीज़ें हैं वहाँ पे हम इस डेटा को, इस इंफॉर्मेशन को आप इसको स्टोर कर सकते हैं। अब डेटा हमारे पास जो है काफ़ी बड़ा, हम लोग जो हैं दिन पर दिन डेटा को हम यूज़ कर रहे हैं। बहुत बिलियंस ऑफ डेटा हम यूज़ कर रहे हैं, हर सेकेंड पे यूज़ कर रहे हैं। तो जहाँ पे डेटा हम यूज़ करते हैं, डेटा जहाँ पे ये वर्ड आता है, वहाँ पे इस डेटा को सिक्योर कैसे हम करें, इस डेटा को कहीं ऐसे अनऑथेंटिकेशन तरीके से हम इसको किसी के हाथ में नहीं लगने दे सकते हैं, तो उसको हम कैसे सिक्योर करें, वो सब डेटा सिक्योरिटी के अंदर आता है। डेटा सिक्योरिटी, डेटा को सिक्योर करने के लिए जो टर्म्स आया है, जो अभी जो टर्म्स आया है, अब जो हमारा जो डेटा है, डेटा क्या है हमारे पास, एक्सेसिबल फॉर्म में भी है और नॉट एक्सेसिबल फॉर्म में भी है। अब जो इंफॉर्मेशन जो है, जो एक्सेसिबल फॉर्म में है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। अब जो डेटा नॉन एक्सेसिबल फॉर्म में जो हमारी इंफॉर्मेशन है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई यूज़र है, उसको वो अगर वो कैप्चर कर रहा है, उसको स्टोर कर रहा है, तो उसके लिए एक टर्म आया, जहाँ से हमने टर्म यूज़ हुआ इसकी सिक्योरिटी के लिए, जो एक्सेसिबल ना कर सके हम, जो प्राइवेट डेटा हमारा, पर्सनल डेटा है, तो जो टर्म है वो है डेटा सिक्योरिटी। अब जो हमारा डेटा है वो काफ़ी क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, डेटा हमारा बहुत काफ़ी टाइप का होता है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे पब्लिक डेटा। पब्लिक डेटा क्या है, जो सभी यूजर्स के लिए, जो भी यूजर्स आप इसको यूज़ कर रहा है, देख रहा है, सभी यूजर्स के लिए बिना सिक्योरिटी मेजर्स के लिए ओपन रहता है। जैसे आप बहुत सारी जो वेबसाइट है, इंफॉर्मेशन की वेबसाइट है, जैसे गवर्नमेंट की कुछ वेबसाइट है जिसमें बहुत अलग अलग इंफॉर्मेशन है, चाहे डिजी लॉकर के उस संबंधित हैं या फिर कोई किसी टॉपिक पे बेस्ड चीज़ें हैं, तो इसको आप आसानी से बिना सिक्योरिटी के आप इसको ओपन कर सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं आप, मगर इसको आप रेप्लिकेट कर सकते हैं, मगर इसमें मॉडिफिकेशन आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉपीराइट का वो तो अलग इश्यू है। तो जो हमारा जो सेकंड टर्म है वो है लिमिटेड एक्सेस डेटा। लिमिटेड एक्सेस डेटा वो है डेटा जिसको हम क्या कर सकते हैं, केवल ऑथराइज जो यूजर्स हैं, जिनको ऑथराइजेशन मिला है, वो यूजर से ही इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट डेटा है हमारा प्राइवेट डेटा। प्राइवेट डेटा ये सभी के लिए ओपन नहीं रहता है, केवल जो सिंगल यूजर्स है, जो ओनर है, वो इस डेटा का यूज़ कर सकता है। आपको, आपके पास इस डेटा को यूज़ करने के लिए आपको सिंगल आईडी एंड पासवर्ड मिलता है। जैसे आपको लोगों का, जैसे आधार का डेटा है, जो सिंगल यूजर्स, जो अलग अलग यूजर्स का जो डेटा है, आधार का डेटा है, पैन का डेटा है, बैंक डिटेल्स है, तो इसको आप केवल यूज़र ही, इसको जो जिससे संबंधित है वो यूज़र ही इसको यूज़ कर रहा है। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा है। देन अब डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा तो हो गया, अब डेटा हमने जनरेट किया, अब जो डेटा है इसको हमको स्टोर भी करना है। डेटा बहुत सारे फॉर्म में स्टोर किया जा सकता है, बहुत से कुछ फॉर्म्स यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रही होंगी, मैकेनिकल फॉर्म, पेपर, पंच कार्ड, फिल्म, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड्स, एक्स्ट्रा, इस रूप में भी हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज, जैसे हमारी फ्लॉपी डिस्क हो गई, मैग्नेटिक टेप हो गई, सीडी ड्राइव, ये हो गया ऑप्टिकल स्टोरेज जो है, फोटोग्राफिक पेपर है, माइक्रो फॉर्म है, ऑप्टिकल डिस्क है, एंड कुछ फॉर्म में हम इलेक्ट्रिकल फॉर्म में भी इसको हम
स्टोर कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर का यूज कर सकते हैं इसमें, सेमीकंडक्टर का जो यूज हो रहा है रैम में, चिप्स एटसेट्रा, ये सब फिजिकल स्टोरेज हैं डेटा की, जहाँ पे हम इसको स्टोर कर सकते हैं इस डेटा को। अब जो मैंने अभी कहा था, अब डेटा तो हमारा जनरेट हो रहा है, डेटा बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट यहाँ पे थिंग्स बन गई है आजकल। डेटा को बोल रहे हैं कि आज जो मनी है या फिर जो, तो ये एक तरीके डिजिटल मनी ही कह सकते हैं डेटा डेटा को। अब इसको जो डेटा है हमें इसको सिक्योरिटी की ज़रूरत भी है। अब इन मीन्स जो ऑथराइज अनऑथराइज जो एक्सेस है उससे हम इसको कैसे बचा सकते हैं, तो यहाँ पे टर्म्स आता है डेटा सिक्योरिटी का। डेटा सिक्योरिटी इज द मीन्स ऑफ इंश्योरिंग दैट डेटा इज कैप्ट सेफ फ्रॉम करप्शन एंड दैट एक्सेस टू इट इज सुटेबल कंट्रोल्ड। तो जो मैंने कहा था कि डेटा का जो एक्सेस है उसको हमको कंट्रोल करना है, तो इसमें भी हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे हम इसमें हम आगे जो हमारी प्रेजेंटेशन है इसमें हम देखेंगे व्हाई डेटा सिक्योरिटी। अब डेटा सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी, डेटा सिक्योरिटी की जरूरत इसलिए पड़ी, कुछ हमारे फैक्टर्स हैं जैसे एक्सेस कंट्रोल्स है, फ्लो कंट्रोल्स है, इनको कंट्रोल करने के लिए। एक्सेस कंट्रोल्स रेगुलेट द रीडिंग कॉपिंग चेंजिंग एंड डिलीशन ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम्स। तो जो जो भी मॉडिफिकेशन हो रहा है डेटा में उसको कंट्रोल्स करने के लिए डेटा सिक्योरिटी की हमें ज़रूरत पड़ी। और जैसे फ्लो कंट्रोल्स हो गया, फ्लो कंट्रोल्स कैन प्रिवेंट अ सर्विस प्रोग्राम फ्रॉम लीकिंग द कस्टमर्स कॉन्फिडेंशियल डेटा। देन इन्फ्लुएंस कंट्रोल्स अ मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग डेटा अबाउट स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स फ्रॉम बीइंग इन्फर्ड फ्रॉम स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इन अ डेटाबेस अबाउट ग्रुप ऑफ पीपल। तो कुल मिला के जो ये है हमारी जो डेटा सिक्योरिटी की हमें ज़रूरत पड़ी, जो हमारा जो पर्सनल जो डेटा है उसको हमको सिक्योर करने के लिए यहाँ पर डेटा सिक्योरिटी टर्म्स का यूज़ किया गया। अब जो हमारे जो थ्रेट्स हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को, जो हमारे डेटा को, जो हमारे इंफॉर्मेशन को डैमेज कर सकते हैं, बहुत सारे जो थ्रेट्स हैं जैसे एक्सीडेंट्स है, एक्सीडेंट्स एंड नेचुरल डिजास्टर है, इसके थ्रू जैसे नेचुरल डिजास्टर आ गई, फ्लड आ गया, विंड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, इससे क्या है कि हमारा जो पावर सिस्टम है वो ब्रेक डाउन हो सकता है या फिर इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम है वो एक थ्रेट क्रिएट कर सकता है, जिससे क्या होता है डेटा लॉस हो सकता है। अब जो डेटा जो थ्रेट्स हैं कुछ ह्यूमन इनिशिएटिव भी होते हैं, जैसे हैकर्स के थ्रू, हैकर्स क्या करते हैं कि डेटा को आपके डेटा डैमेज कर सकते हैं, आपके डेटा को रिवील कर सकते हैं। अनअवेयर स्टाफ है, अनअवेयर स्टाफ इट मीन्स जिसको अभी जो सिस्टम है उसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उसके थ्रू वो भी इस डेटा का डेटा लॉस का कारण बन सकता है। डिससेटिस्फाइड स्टाफ है जिसको अपने ऑर्गेनाइजेशन से सेटिस्फाई नहीं है, तो ये अब एक तरीका ये भी थ्रेट्स है। स्पाइस हैं बहुत सारे हमारे। देन अब ये डेटा जो सिक्योरिटी है, डेटा को सिक्योर करना है, तो इसको हम इसके लिए हम बहुत सारी जो टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, टेक्नोलॉजीज अवेलेबल फ्रॉम कंप्यूटर सिक्योरिटी जो चल रही है आज के वर्ल्ड में, जैसे क्रिप्टोग्राफी है, बायोमेट्रिक सिस्टम्स हैं, मिलिशियस कोड एंड एंटीवायरस सॉल्यूशंस हैं, जो हमारे कोड्स मिलिशियस कोड्स हैं उसके लिए हमने एंटीवायरस सॉल्यूशंस हैं, फायरवॉल्स हैं, SSL इंक्रिप्शंस हैं, ये टेक्नोलॉजी आजकल यूज़ की जा रही है कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए, इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी के लिए। जैसे क्रिप्टोग्राफी है, क्रिप्टोग्राफी में क्या है कि एक तरीका ये क्रिप्टोग्राफी जो है एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, एक तरीके का हाई लेवल इंक्रिप्शन टेक्निक है दैट इज बीइंग यूज्ड टू इंश्योर प्राइवेसी इन द डिजिटल वर्ल्ड। तो इसमें जो क्रिप्टोग्राफी है इसमें क्या होता है कि जो सेंडर होता है उसने तो मैसेज भेज दिया सेंडर ने, तो अब कुछ जो टेक्नोलॉजी टर्म्स होते हैं, क्वेरीज जो रन होती है उससे क्या होता है कि इसमें जो डेटा सेंडर ने भेजा वो इनक्रिप्टेड वे में रिसीवर के पास पहुंचता है। अब इनक्रिप्टेड वे मतलब क्या हुआ कि इसमें जो भी वो मैसेज भेज रहा है वो किसी और को और से रिवील नहीं हो सकता है, वो नॉन रीडेबल होता है ये कोड, तो इट्स अ टाइप ऑफ सीक्रेट कोड एंड दिस क्रिप्टोग्राफी इज अ हाईली हाई लेवल इंक्रिप्शन टेक्निक्स। तो सेंडर अपना इंक्रिप्शन मोड में मैसेज भेजता है और जो रिसीवर होता है
वो उस मैसेज को डिक्रिप्ट करके उस मैसेज को पढ़ सकता है। तो केवल एंड टू एंड इंक्रिप्शन इसमें यूज होता है, जिससे क्या होता है कि बीच में जो डेटा है वो जो डेटा ट्रैवल हो रहा है वो एकदम सिक्योर है, कोई एक्सेस को नहीं कर सकता है। देन अनदर यूज्ड इज बायोमेट्रिक सिस्टम्स, जो सिक्योरिटीज में हमारा दूसरा यूज होता है बायोमेट्रिक सिस्टम। बायोमेट्रिक सिस्टम इज द एप्लीकेशन ऑफ एनी बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स सच एज पैटर्न फॉर्म्ड बाय द फिंगर्स, रेटिनास, आयरिस, हैंड्स एटसेट्रा। तो इसमें हम यूज दिस इज यूज फॉर यूजर ऑथेंटिकेशन, यूजर के जो ऑथेंटिकेशन के लिए हम बहुत सारे टर्म्स का यूज करते हैं, बहुत सारे वेरिफिकेशन होते हैं, जिसमें मेनली जो टेक्नोलॉजीज यूज की जा रही है बायोमेट्रिक में वो है फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन, हैंड ज्योमेट्री, रेटिनल स्कैनिंग, सिग्नेचर वेरिफिकेशन, वॉइस वेरिफिकेशन एंड फेशियल रिकॉग्निशन। तो इससे जो ये वेरिफिकेशन है, इसमें फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन है, जिससे क्या होता है कि यूजर वही यूजर इसमें एंटर कर सकता है, कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी सिनेरियो है, कोई भी डेटा है, उसको इन वेरिफिकेशन के थ्रू जो वेरीफाइड होगा, वेरीफाइड यूजर ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारी जो बायोमेट्रिक सिस्टम्स हैं हमारे। देन कुछ मेलिशियस कोड्स कोड हैं जो हमारे डेटा जो इंफॉर्मेशन को है उसको इन्फेक्ट कर सकते हैं, और हमारे कुछ एंटीवायरस सॉल्यूशंस हैं इसके, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो मेनली जो मेलिशियस कोड्स हैं वो हैं कंप्यूटर वायरसेस, स्पाईवेयर, वॉर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्सेस। कंप्यूटर वायरसेस जो कंप्यूटर वायरसेस होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन टू कॉपी इटसेल्फ इनटू अनदर प्रोग्राम विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग मिसशेप और डैमेज। जो कंप्यूटर वायरस होते हैं, ये क्या होता है कि जो दूसरे जो प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं आपके सिस्टम पे, उस पर ये अटैक करते हैं और उस प्रोग्राम को ये डैमेज कर देते हैं। तो जैसे ये आपके बूट सेक्टर सिस्टम, जो कंप्यूटर का बूट सेक्टर होता है उसमें इन्फेक्ट करते हैं, या फिर जो आपकी जो फाइल है, फाइल को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, उनको इन्फेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए ये कंप्यूटर वायरसेस होते हैं। देन द अनदर मॉलवेयर इज स्पाईवेयर। स्पाईवेयर इज अ टाइप ऑफ मॉलवेयर दैट कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन कंप्यूटर्स एंड विच कलेक्ट अ स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर्स विदाउट देयर नॉलेज। द प्रेजेंस ऑफ स्पाईवेयर इज टिपिकली हिडन फ्रॉम द यूजर एंड कैन बी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। Typically, spyware is secretly installed on the user's personal computer. अब जो spyware जो हमारे malwares हैं, ये without user की knowledge के आपके computer system में install हो जाते हैं और जो भी आपकी जो personal data है, personal information है, उसको steal करते हैं। अब जैसे हमारा जो spyware है, ये system में store तो हो गया, तो इसमें क्या होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके सिस्टम में स्टोर हो गए हैं और ये आपकी इंफॉर्मेशन सीक्रेटली अदर प्लेस में आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। देन द अदर इज वॉर्म। ये जो वॉर्म होते हैं, वॉर्म क्या होते हैं कि जो सिस्टम में सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, एक ही ये भी टाइप्स वायरस का एक टाइप है, मगर ये फाइल सिस्टम को ऑल्टर नहीं करते हैं। ये थोड़ा जो सिस्टम है, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको स्लो कर देते हैं। देन द नेक्स्ट इज ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स और ट्रोजन इज अ टाइप ऑफ मिलिशियस कोड और सॉफ्टवेयर दैट लुक्स लेजिटिमेट बट कैन टेक कंट्रोल ऑफ योर कंप्यूटर्स। अब जो ये ट्रोजन हॉर्स है, ये आपको एक टाइप का एक सॉफ्टवेयर है, एक टाइप का एक कोड है, जो आपको लगेगा कि हाँ ये सही जगह से, सही सेंडर से हमको रिसीव हुआ है, मगर जैसे ही आप इस कोड पे अगर आप क्लिक करते हैं, इस लिंक पे, जैसे हम देखते हैं कि आजकल ईमेल्स में बहुत सारे फ्रॉड्स आ रहे हैं, आपको एक ऐसा लिंक दे दिया जाता है जो आप समझते हैं कि हाँ ये गवर्नमेंट की साइट से आया या फिर कोई मेरा जानने वाला है, उसने भेजा है मुझे, लगता तो ट्रोजन हॉर्स बिल्कुल सेम वही है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं तो आपका जो सिस्टम है, जो फाइल्स है, वो डैमेज हो जाती है या फिर आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो स्टील हो जाती है। जैसे आज कल एक नया चल रहा है इसमें, जो कोविड टाइम जो चल रहा है,
इसमें एक नया इसी टाइप का है, ट्रोजन हॉर्स टाइप का ही एक नया मामला आ रहा है सामने। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे अभी आपको वैक्सीन लग रही है, वैक्सीन लगने के बाद क्या हो रहा है कि आपका एक सर्टिफिकेट आपके मोबाइल पर आता है। सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए एक लिंक आपके मोबाइल पर आता है कि यू हैव वैक्सीनेटेड एंड डाउनलोड दिस सर्टिफिकेट फ्रॉम दी बिलो लिंक। अब जैसे ही आपके सिस्टम पे ये आ रहा है, आपको लग तो रहा है कि हेल्थ मिनिस्ट्री से आ रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट से आ रहा है, जो भी है आपका जो भी स्टेट है उस स्टेट की हेल्थ डिपार्टमेंट से आ रहा है, आप इसको समझ रहे हैं कि ये सही है लिंक। मगर क्या होता है कि जैसे ही आपका ये लिंक आता है, थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जो जो हमारे जो हैकर्स हैं, ये जो पर्सन हैं, आपको कॉल करेंगे, आप कॉल करके कहते हैं कि एक्सीडेंटली जो हमारा जो डेटा है, हमारा जो सर्टिफिकेट है, वो हेल्थ डिपार्टमेंट की कमियों की वजह से या फिर उनकी प्रॉब्लम्स की वजह से आपके पास पहुंच गया है। ठीक है, तो इसके बाद क्या करते हैं, ये कहते हैं कि आप अपना नंबर बताइए इसको, फिर जैसे ही आपका नंबर जो आपका जो नंबर है उससे हम इसको रिमूव कर देंगे, हमारे नंबर पर आ जाएगा। तो जैसे ही आप नंबर अपना बताते हैं, फिर कहेंगे कि उसके बाद ये OTP आ रहा है, इसमें आपने नंबर बताया, आपके पास OTP आया, OTP आपने डाला, तो ये जो भी इंफॉर्मेशन है जो आपके मोबाइल से या फिर आपके लैपटॉप से इंफॉर्मेशन या आपकी बैंक डिटेल्स है, आपका बैंक जितना पैसा है, वो सब ये जो हैकर्स हैं ये निकाल दे रहे हैं। तो ट्रोजन हॉर्स जो है वो एक टाइप का मेलिशियस सॉफ्टवेयर है। देन अब इन जो हमने जो एंटीवायरस की जो हमने मेलिशियस कोड्स की बात करी, वायरसेस की बात करी, इनके इनको हम कैसे, इनसे हम अपने सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम इनको अपने सिस्टम में से कैसे हम इसको हटा सकते हैं, तो कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो आप लोग को यूज़ करने पड़ेंगे। स्टेप टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस, व्हेन इंस्टॉलिंग न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल इट फर्स्ट ऑन अ नॉन क्रिटिकल सिस्टम एंड टेस्ट और बग्स। तो देन पीरियोडिकली रिव्यू ऑल सिस्टम्स स्टार्टअप एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स फॉर चेंजेस, टर्न ऑफ द ऑटोमेटिक ओपन ऑन रिसीव फीचर फ्रॉम योर ईमेल सॉफ्टवेयर बिफोर ओपनिंग एनी अटैचमेंट, फर्स्ट स्कैन इट यूजिंग अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ये भी एक तरीका जो मैं बता रहा था अभी, जो अटैचमेंट्स आपके मेल पे आ रहे हैं, आप जैसे इसको ओपन कर रहे हैं तो ये एक तरीके का, ये आपको पता नहीं चलेगा कि आपके सिस्टम में ये कब इंस्टॉल हो गए, ये ट्रोजन हॉर्स वायरस के ही अंतर्गत आता है। रेगुलरली अपडेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंजन्स एंड डेटा फाइल्स, टर्न ऑफ विजुअल बेसिक स्क्रिप्टिंग, आप ये सभी सिस्टम्स में रहती है। When not in use, turn off the workstation or disconnect it from the network. आप जब अपने सिस्टम को यूज नहीं कर रहे हैं तो आप इसको नेटवर्क से डिसकनेक्ट कर लीजिए, तो इससे भी आप इन जो वायरस जो अटैक हो रहे हैं हमारे इसमें, इससे आप बच सकते हैं, आपका सिस्टम सेफ हो सकता है, आपका डेटा सेफ हो सकता है। टेक रेगुलर बैकअप ऑफ क्रिटिकल डेटा एंड सिस्टम फाइल्स, तो आपको क्या करना है कि रेगुलर बैकअप आपको अपना रखना है, जिससे क्या होगा कोई फाइल कोई अगर वायरस आता है, अगर वो करप्ट करता है किसी फाइल को, डैमेज करता है और मॉडिफाई करता है, तो आपके पास अपना बैकअप होना चाहिए जिससे कि आप उस फाइल को पुनः अगेन इसको आप रिसीव कर सकें। तो कुछ स्टेप्स हैं, जैसे आपको जो भी सॉफ्टवेयर हैं आपके उसको अप टू डेट करना है, अपने सिस्टम जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें न्यूली जो एंटीवायरस है उसको हर सिस्टम में, चाहे वो फ्री हो चाहे वो पेड हो, आपको एंटीवायरस अपने सिस्टम पे रखना ही रखना है, और साथ में उसको पीरियोडिकली उसको अपडेट भी करते रहना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखें तो इन मेलिशियस कोड एंड एंटीवायरस जो वायरस जो हैं इनसे आप बच सकते हैं। अब हम आजकल इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, सारी दुनिया पूरी इंटरनेट में चली गई है, तो इंटरनेट में भी ये चीज़ें सब हो रही हैं। इंटरनेट को, अब इंटरनेट का जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है यूज़र की, उसको कैसे हम सिक्योर करते हैं, उसमें क्या होता है कि यहाँ पर हम एक फायरवॉल का यूज़ करते हैं। फायरवॉल क्या करता है, कंप्यूटर सिक्योरिटी, ये इट्स अ कंप्यूटर सिक्योरिटी सिस्टम दैट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर और नेटवर्क टू अनदर कंप्यूटर। एक ये एक कंप्यूटर के एक जो नेटवर्क है और एक जो दूसरा नेटवर्क है, इसके बीच में क्या करता है, एक वॉल की तरह कार्य, वॉल की तरह वर्क करता है, जिससे क्या है कि जो आपका प्राइवेट नेटवर्क है
जो आपका प्राइवेट नेटवर्क है, अगर कोई यूजर दूसरे नेटवर्क से इसको यूज कर रहा है तो इसको ये जो फायरवॉल है उसको बैन कर देता है, अनवांटेड जो एक्सेस है इसको ये करेगा बैन कर देगा। वाई फायरवॉल प्रिवेंट आउटसाइड एक्सेस एक्सेप्ट सम स्पेशल सर्विसेज लाइक ईमेल और एचटीटीपी, सभी जो भी प्रिवेंट जो आउटसाइड एक्सेस हैं इसको इनसे प्रिवेंट करता है। आईपी एड्रेसेस ऑफ द साइट कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड बाय ब्लॉकिंग डीएनएस सर्विसेज, आपके जो आईपी एड्रेसेस हैं उसको ब्लॉक करता है। ऑल इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक फ्रॉम द इंटरनेट कैन बी लॉग्ड टू प्रोवाइड स्टैटिस्टिक्स अबाउट द नेटवर्क यूजेस। अब ये बहुत सारे लॉग्स क्रिएट करता है, जो भी हमारा इनकमिंग ट्रैफिक है जो आप भेज रहे हैं, जो बाहर जो दूसरा नेटवर्क है उससे जो भी ट्रैफिक आ रहा है उस पर क्या करता है, एक नज़र बनाए रखता है कि कौन कौन सा कैसा कैसा ट्रैफिक इसमें आ रहा है, उसकी एक रिपोर्ट जनरेट करके नेटवर्क प्रोवाइडर को, जो नेटवर्क मैनेजर होता है उसको ये प्रोवाइड कर देता है। तो फायरवॉल का यूज़ करके भी हम इंटरनेट में डेटा जो लॉस होता है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन स्टील हो रही है उसका हम ओवरकम कर सकते हैं। देन अनदर टर्म इज SSL इंक्रिप्शन, सिक्योर्ड सॉकेट लेयर, ऑल्सो नोन एज TLS और ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, इज अ प्रोटोकॉल डेवलप्ड बाय नेटस्केप फ्रॉम ट्रांसमिटिंग प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स बाय द इंटरनेट। अब जो भी हमारे जो इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, डॉक्यूमेंट शेयर हो रही है, तो SSL इंक्रिप्शन एक तरह की ये ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, एक प्रकार की सिक्योरिटी है SSL के थ्रू होती है। आपने देखा होगा कि वेबसाइट में HTTP, एक तो वेबसाइट होती है HTTP एंड देन अदर इज HTTPS। HTTPS का मतलब होता है कि जो S लगा हुआ है उस SSL इंक्रिप्शन के थ्रू इंक्रिप्ट हुआ है। SSS मतलब सिक्योरिटी उसको प्रोवाइड कर रहा है उस वेबसाइट के एड्रेस को। तो ये चीज़ें हैं, आपको जो भी जैसे भी जो आप वेबसाइट अगर सर्च कर रहे हैं, आप उसमें रन कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो ध्यान दें कि आप HTTPS वाली ही वेबसाइट को देखें यहाँ पे। हेलो जी, देन सम जो सिक्योरिटी टिप्स हैं, जैसे इनकरेज एम्प्लॉयज़ टू, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकरेज एम्प्लॉयज़ टू चूज़ पासवर्ड दैट आर नॉट कॉमन। अब मेनली सबसे बड़ी दिक्कत होती है प्राइवेसी की, जो डेटा सिक्योरिटी की, डेटा लॉस की, डेटा रिवेल की, वो होती है पासवर्ड। तो जो आपको जो पासवर्ड्स हैं उसको आपको अपने सिक्योर रखना है, और जो पासवर्ड्स हैं आपके उसको हर 90 days या 30 days में, आपने देखा होगा गवर्नमेंट साइट्स जो होती हैं, जो बनी हुई हैं, चाहे आपकी वो बैंक की साइट्स है या फिर अदर साइट्स है, उसमें आपने जो पासवर्ड रखा हो गया तो आपके जैसे 30 days होते हैं तो आपको चेंज करने के लिए बोलता है। चेंज करने के इसलिए बोलता है कि वो आप रेगुलर इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप पासवर्ड अगर चेंज करते रहेंगे तो सामने जो हैकर्स हैं या फिर कोई अनवांटेड जो अथॉरिटीज़ है उसको आपका जो पासवर्ड है उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो आपको ऐसे पासवर्ड रखने हैं जो सिक्योर हों। तो जो आज जो चल रहे हैं जो पासवर्ड जो आपको यूज़ करने हैं वो 3D पासवर्ड है, जिसमें आप कह सकते हैं कुछ करेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं, सम लेटर्स का यूज़ कर सकते हैं, सम नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर योर वायरस प्रोटेक्शन सब्सक्रिप्शन इज करेंट एंड अपडेट। ये मैंने पहले बताया था आपको, जो भी आपका जो एंटीवायरस जो भी है आपका फ्री है या फिर पेड है उसको आपको अपडेट रखना है, और आपको अपने सिस्टम में एक न एक एंटीवायरस हमेशा इंस्टॉल करके रखना है। एजुकेट एम्प्लॉयज अबाउट द सिक्योरिटी रिस्क ऑफ ईमेल अटैचमेंट, आपको बताना है चीज़ों को, आपको अपने को खुद से भी अवेयर होना है कि जो हमारे अटैचमेंट है, अभी मैंने बताया था आपको कुछ देर पहले अटैचमेंट है उसमें क्या है कि जो अटैचमेंट आ रहे हैं वो फ्रॉड हैं या फिर वो रियल हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर आइडेंटिफाई आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अगर जैसे डाउनलोड करते हैं अटैचमेंट्स, तो आपको सबसे पहले उनको ओपन करने से पहले उनको स्कैन कर लेना है जो भी आपका एंटीवायरस आपके सिस्टम में अपडेट है। एसेस योर सिक्योरिटी पोस्चर रेगुलरली, आपकी जो सिक्योरिटी जो चीज़ें हैं आपको उसको रेगुलरली विजिट करना है। व्हेन एन एम्प्लॉय लीव्स अ कंपनी, रिमूव दैट एम्प्लॉयज नेटवर्क एक्सेस इमीडिएटली। इफ यू अलाउ पीपल टू वर्क फ्रॉम होम, प्रोवाइड अ सिक्योर
सेंट्रली मैनेज सर्वर फ्रॉम रिमोट ट्रैफिक, अपडेट योर वेब सर्वर सॉफ्टवेयर रेगुलरली। आपका अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ वेब सर्वर्स हैं तो आपको उसको रेगुलरली अपडेट करना है। डू नॉट टर्न एनी अननेसेसरी नेटवर्क सर्विसेज, आपको अननेसेसरी जो भी सर्विसेज हैं उनका यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको देख के ही जो आपके यूज की चीजें हैं आपको उसको ही सर्व करना है। देन डेटा सिक्योरिटी को एक्ट्स फॉर डेटा सिक्योरिटी टू प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम वेरियस थ्रेट्स, इसके लिए कुछ बहुत सारे जो एक्ट्स बने हैं उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। इसमें जो मेन मेन जो एक्ट्स हैं, सम ऑफ दीज आर द प्राइवेसी एक्ट 1974 में यूएस में एक्ट ये पारित हुआ, द कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट 1986, द कंप्यूटर सिक्योरिटी एक्ट 1987, द डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट DMCA 1998, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 1998 इन यूके, स्विस फेडरल एक्ट, स्विस फेडरल एक्ट ऑन डेटा प्रोटेक्शन DPA, एंड देन इंडिया में 2000 पे एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यहाँ पे लॉन्च किया। ये सब आपकी जो डेटा है उसको आप सिक्योर, ये सिक्योरिटी सिक्योर कैसे कर सकते हैं इसके बारे में, डेटा सिक्योरिटी के बारे में अगर आपका कुछ रिवील चीजें कुछ स्टील हो गई हैं तो आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, कहाँ का, ये सब इन एक्ट्स में इसमें दिया गया, आप इसको गूगल कर सकते हैं। देन डेटा सिक्योरिटी ये फाइनल हो गया है। तो कुल मिला के जो ये चीजें हैं, तो आपको जो हमारे पास जो डेटा है आजकल, डेटा हम अपने सिस्टम से में हमारा जो पर्सनल डेटा है, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, हमारी बैंकिंग सारे हम आजकल अपने मोबाइल पे अपने सिस्टम से में स्टोर करके रखते हैं, तो उस डेटा का सिक्योर होना भी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमने अभी डेटा सिक्योरिटी पढ़ी। देन नेक्स्ट है हमारा जो जो टॉपिक है ई बैंकिंग। ई बैंकिंग ये ट्रेंड्स में कब आया है? ई बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज अ मेजर इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग। अब ये जो ई बैंकिंग है ये ट्रेंड में जैसी इवोल्यूशन हुआ, इंटरनेट का इवोल्यूशन हुआ, इंटरनेट के इवोल्यूशन के बाद हमारे ई कॉमर्स का इवोल्यूशन हुआ, देन इसके बाद ई बैंकिंग इसमें इवोल्यूट हुई। व्हाट इज ई बैंक, ई बैंकिंग क्या है? अब जो हमारी जो ट्रेडिशनल बैंकिंग है उसमें क्या होता है कि एक एज अ कस्टमर अगर हम देखें, जैसे हम लोग पहले देखते थे, आजकल तो चेंज हो गया, ई बैंकिंग आ गई है। एज अ कस्टमर हम यहाँ पे सोचें, हम जो बैंकिंग है वहाँ पे क्या होता था कि एक कस्टमर डेस्क होती थी जो उसमें एक स्टाफ बैठता था सुबह, ये 8 AM to 7 PM मोस्टली बैंक में, और बैंकों में 5, 10 से 5 भी है, तो जो भी इनका वर्किंग आवर्स है, इस आवर्स में एक कस्टमर डेस्क होती थी। और हम क्या करते थे, इस डेस्क के पास जो डेस्क है वहाँ पर जाके अपने जो ट्रांजेक्शन्स हैं उसको परफॉर्म करते थे। अब इसमें क्या दिक्कतें आती थी, इसमें दिक्कतें ये थी कि जो हमारा जो हम जो कस्टमर्स हैं वो अपनी जॉब में रहते हैं पूरे दिन। अब जॉब के बाद जैसी अपना जॉब जैसे टाइम निकाला, जॉब ख़त्म करी, कोई बैंक अगर माना 7 तक चल रहा है तो उसके बाद अगर जैसे टाइम निकाल के कोई जाते हैं तो इतना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं फैमिली और अदर एक्टिविटीज़ हैं वो भी उनको परफॉर्म करनी पड़ती है। तो बैंक जो कस्टमर्स हैं मोस्टली मुश्किल से ही जा पाते हैं, मुश्किल से ही टाइम निकाल के, बहुत टाइम कंज्यूम होता है उनका बैंक जाना। वो अपना बचते थे कि हम हमको बैंक कम से कम जाएं। तो इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए ई बैंकिंग का कॉन्सेप्ट आया। ई बैंकिंग क्या है? इट्स अ वर्चुअल बैंकिंग। वर्चुअल बैंकिंग मीन्स अ कस्टमर कैन नॉट सी द बैंक, बट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ही कैन कंडक्ट बैंकिंग एक्टिविटीज एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अभी जो मैं कह रहा था कि हम जो कस्टमर्स हैं वो बैंक जा रहे हैं, बैंक में से अपना जो भी ट्रांजेक्शन है फिजिकली इसको परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसमें क्या है कि आपको वर्चुअल ई बैंकिंग क्या है, एक वर्चुअल बैंकिंग है जिसमें क्या होता है, कस्टमर्स अपना ट्रांजेक्शन कर सकता है विदाउट बैंक, विदाउट सीइंग एनी बैंक, आप बैंक तक जाए बिना। तो बैंक कुछ इसमें ई बैंकिंग में कुछ फैसिलिटीज जो आई हैं, जो चल रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, कस्टमर्स अब अपना टाइम भी, उसका टाइम भी बच रहा है, आराम से इन सर्विसेज का यूज़ भी कर रहा है।
मेजर टाइप्स ऑफ वर्चुअल बैंकिंग सर्विसेज इंक्लूड्स, फर्स्ट है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, आप लोग सब जानते हैं स्मार्ट कार्ड्स इवॉल्व हुए, फोन बैंकिंग आई, इंटरनेट बैंकिंग आई. ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ATMs आर वाइडली यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स इन बैंकिंग. इट इज अ कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइस एट विच द कस्टमर्स कैन मेक विड्रॉल्स, चेक बैलेंस विदाउट इन्वॉल्विंग एनी इंडिविजुअल्स. देन टू यूज दिस सिस्टम, customers are given a plastic card which contains the customer's name and account number. Customers is given a PIN number. Whenever he wants to use it, he needs to enter PIN number. Mostly ATMs are near to branches, but nowadays ATMs are available at places like malls, theaters, stations, etc. So, जो ATMs आए हैं ये एक तरीके की क्रांति है. इसमें customers को bank जाने की जरूरत नहीं है. अब तो ये जो ATMs हैं मॉल्स में खुल गए हैं, थिएटर्स में भी हैं, स्टेशंस हर एक स्टेशंस में भी हैं, जो भी रेलवे स्टेशंस हैं या फिर बस स्टेशन हैं वहाँ पे ATMs हैं. आप कस्टमर्स जो है जा सकता है इनमें और अपना जो भी ट्रांजेक्शन उसको परफॉर्म करना है, चाहे वो विड्रॉल्स है, चाहे उसको बैलेंस चेक करना है. अब इसमें क्या है, इसमें कस्टमर्स का टाइम भी बच रहा है, आपको डेस्क में नहीं जाना पड़ रहा है, कि जो हमारे बैठे हैं जो बैंक में जो वर्कर्स हैं उनसे नहीं पूछना पड़ रहा कि हमारा बैलेंस क्या है, आपको एक रिपोर्ट जनरेट नहीं करनी पड़ी, आप खुद ब खुद ATMs जाके वहाँ पे अपना जो बैंक की तरफ से जो प्रोवाइडेड जो ATMs है, आपकी जो एक कार्ड मिला है, प्लास्टिक कार्ड मिला है जिसमें एक चिप है, जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन है, आपका अकाउंट नंबर, आपका नाम, आपका एड्रेस, सारी चीज़ें एक छोटी सी चिप के अंदर, मैग्नेटिक चिप होती है जिसके अंदर सारी चीज़ें इंस्टॉल रहती हैं. आप जैसे इसको ATM से में एंटर करवाते हैं तो आपका जो भी ट्रांजेक्शन है उसको आप परफॉर्म कर सकते हैं. तो इससे कस्टमर्स का टाइम बच रहा है और कस्टमर्स के लिए ये चीज़ें ई बैंकिंग होने से आसानी भी हो रही है. देन नेक्स्ट इज स्मार्ट कार्ड्स. इट इज़ अ चिप बेस्ड कार्ड, माइक्रोचिप कंटेनिंग मॉनेटरी वैल्यू. व्हेन अ ट्रांजेक्शन इज मेड यूजिंग द कार्ड, The value is debited and balance comes down. तो कुछ cards जो use हो रहे हैं जिसमें smart cards, credit cards हैं, ATM cards हैं, debit cards हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ा था. Next is telebanking. Telebanking का use हो रहा है इसमें. It means banking over phone. इसमें telebanking में आप क्या कर सकते हैं कि ये transaction इसमें involved नहीं होता है. आप जितने भी जो भी facilities bank से मिल रही है उसका over the phone आप टेली बैंकिंग के थ्रू इसका यूज कर सकते हैं. कस्टमर्स कैन डू एंटायर नॉन कैश रिलेटेड बैंकिंग ओवर फोन एनीवेयर एनी टाइम. अब नेक्स्ट इज इंटरनेट बैंकिंग. इट हैज हेल्प्ड इन बैंकिंग एट द क्लिक ऑफ द माउस. इन इंटरनेट बैंकिंग कस्टमर्स ऑफ अ बैंक विद अ पीसी कैन लॉग ऑन द बैंक वेबसाइट एंड कंडक्ट बेसिक फंक्शंस. इंटरनेट बैंकिंग में जो कस्टमर्स रहे उनको एक यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिलता है, जिससे कि आप उससे लॉगिन करके अपने कोई भी सिस्टम कहीं भी बैठे हैं, आपको ये नहीं देखना है कि आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है. आप कहीं भी बैठे हैं, किसी भी प्लेस में बैठे हैं, आप वहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं. इवन आजकल आप मोबाइल टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि आप अपने मोबाइल से आजकल बहुत सारी जो बैंक हैं इन्होंने अपने ऐप डेवलप कर लिए इंटरनेट बैंकिंग के लिए, आप उसके थ्रू भी इसका यूज कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग का. देन एडवांटेज ऑफ ई बैंकिंग, राउंड द क्लॉक बैंकिंग, यूजर फ्रेंडली, लो कॉस्ट, पोर्टेबल बैंकिंग, स्पीड बैंकिंग. तो कुल मिला के ये फीचर्स हमारी ई बैंकिंग प्रोवाइड करवाती है कस्टमर्स को. देन लिमिटेशन, अब जहाँ पे एडवांटेज हैं वहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, कुछ लिमिटेशंस भी होंगी ई बैंकिंग की. जैसे ई बैंकिंग के लिए जो है स्टार्टअप जो कॉस्ट है वो थोड़ा हाई पड़ती है, क्योंकि हमको बहुत सारे इसके लिए सॉफ्टवेयर जो बैंक है इसको बैंक को बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स खरीदने पड़ते हैं, उनके मेंटेन बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स खरीदने हैं, बहुत सारे सर्वर्स आपको यूज़ करने हैं, बहुत ज़्यादा आपको स्टोरेज कैपेसिटी भी चाहिए. तो स्टार्टअप कॉस्ट थोड़ा हाई रहती है इसमें. देन इसके बाद आपको एम्प्लॉयज़ को आपको ट्रेनिंग भी देनी है, मेंटेनेंस. अब जो डिवाइसेस आपने लगाई है, चाहे ATMs हो, स्मार्ट कार्ड्स हो, कुछ भी जो डिवाइसेस आपने दिखाई है, चाहे वो पासबुक प्रिंटिंग डिवाइस है, उसको मेंटेन करने के लिए
मेंटेनेंस की भी जरूरत होती है, एंड देन जो मोस्ट पावरफुल जो लिमिटेशंस है वो है सिक्योरिटी। अब इतना ट्रांजेक्शन इस बैंक से हो रहा है थ्रू द इंटरनेट, तो इसमें सिक्योरिटी की भी एक लिमिटेशन आता है। देन कुछ जो सिक्योरिटी जो थ्रेट्स हैं, जो ऑनलाइन फ्रॉड्स हैं, उनके बारे में आपको जानना थोड़ा सा जरूरी है। अगर आप बैंकिंग यूज कर रहे हैं, ई बैंकिंग, कुछ एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी होती हैं, तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे पासवर्ड फिशिंग है, द फिशिंग स्कीम इन्वॉल्व्स यूजिंग फेक ईमेल्स एंड और फेक वेबसाइट क्रिमिनल्स एंड ईमेल्स दैट अपीयर टू बी फ्रॉम द कस्टमर्स बैंक दैट डायरेक्ट कस्टमर्स टू अ फेक वेबसाइट। तो ये मैंने भी बताया था आपको फिशिंग का। इसमें क्या है कि आपको बैंक के थ्रू एक ईमेल प्राप्त होगी, एक ईमेल नहीं एक फेक ईमेल प्राप्त होगी जो कि आपके बैंक ने प्रोवाइड नहीं करी, किसी अन्य जो हैकर से उसने क्रिमिनल्स है जो उसने प्रोवाइड कराई है। आपको क्या होता है कि जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं तो ये आपको दूसरी वेबसाइट पर ले जाती है, आपके सिस्टम से आपके जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं वो उसको स्टील कर लेती है, एक तरह की फिशिंग है। तो आपको इससे थोड़ा सावधान रहना इन चीज़ों से अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग का यूज़ करते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि जो स्कीम आई है, जो आपकी ईमेल पे जो भी बैंक जो भी स्कीम दे रहा है वो सही है या नहीं है। आपको बैंक की आपको बैंक की वेबसाइट में जाकर ही उसको पहले वेरीफाई करें, देन क्लिक करें इसमें ऐसे लिंक्स को। देन नेक्स्ट इज स्पाईवेयर इज जनरली कंसिडर्ड टू बी सॉफ्टवेयर that is secretly installed on a computer and takes things from it without the permission knowledge of the user. तो जो स्पाईवेयर है, इसको हमने डेटा सिक्योरिटी में पढ़ा था। ये आपको क्या होता है कि आजकल आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ये सीक्रेटली यूज़ करते हैं आपकी परमिशन के बिना ही। आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारी इन्फॉर्मेशन कहीं यूज की जा रही है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपका अपना सिस्टम जो मोबाइल है आपको उसमें सिक्योरिटी फीचर्स उसके अपडेट रखने हैं, एंटीवायरस उसमें आपके उसमें होना ही चाहिए, आपका जो पासवर्ड है आपको उसको सिक्योर रखना है, आपका जो पासवर्ड है उसको आपको रेगुलरली विद इन 1 मंथ आपको उसको चेंज करते रहना है। तो इन चीज़ों का अगर आप यूज़ करेंगे तो इन जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, जो बैंकिंग में जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि हेल्थ से रिलेटेड जो कोविड वैक्सीन लग रही है, सर्टिफिकेट से रिलेटेड भी एक फ्रॉड आ रहा है। इसमें क्या है कि OTP आपके मोबाइल पर आ रहा है और उसके थ्रू जैसे ही आप OTP उसको बता रहे हैं, आप जैसे ही डाल रहे हैं तो आपके जो बैंक से जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो जा रहा है, लेस हो जा रहा है। Then the another fraud is skimming. Skimming is a more advanced version of an identified theft. Fraudsters illegally copy the information from the magnetic strip on the back of your plastic without interfering with the legitimate payment transaction. ये आप लोगों ने सुना होगा, ये मोस्टली ATM कार्ड में यूज होता है। इसमें क्या होता है, जो फ्रॉड जो करने वाले लोग होते हैं, इलीगल जो लोग हैं, क्रिमिनल्स हैं, ये आपके कार्ड की जैसे ही आप ATMs में जाते हैं या फिर आपने कहीं कार्ड रखा हुआ है तो आपकी कार्ड की एक कॉपी बना लेते हैं, कॉपी बनाते हैं जो मैग्नेटिक जो स्ट्रिप लगी है उसकी एक कॉपी बनाते हैं और जो जो भी इंफॉर्मेशन उस स्ट्रिप में है वो सब ये कैप्चर कर लेते हैं। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, जैसे ही आप कहीं ATM में जाएं, कहीं जाएं, तो सबसे पहले वहां पर चेक कर लें कोई ऐसी डिवाइस तो नहीं लगी है जिससे कि जिसे कोई क्रिमिनल्स या फिर कोई हैकर्स, कोई अन्य जो अनऑथेंटिकेट पर्सन है उसको यूज तो नहीं कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ें जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजीज बढ़ रही हैं, हमारी सुविधाएं भी बढ़ रही हैं। पहले जैसे हमने बात करी, पहले हम जॉब के बीच में बैंक जाते थे, बैंक से फिर हमारे जो ट्रांजेक्शन था पूरा ट्रांजेक्शन हमारा फिजिकली ही होता था। अब क्या है कि ट्रांजेक्शन विद इन अ सेकेंड आपको कहीं ट्रांसफर करने हैं, मनी ट्रांसफर करनी है या फिर आपको अपना एड्रेस चेंज करना है या फिर आपको अपना मोबाइल नंबर चेंज करना है या फिर कुछ और चीज़ें करनी है, तो ये विद इन अ सेकेंड आपका थ्रू द टेक्नोलॉजी आपका हो जा रहा है। मगर इन चीज़ों के लिए क्या है, आपको अवेयर भी होना पड़ेगा कि हम ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। यूज़ करना कोई
आपको डरना नहीं है, यूज तो चीजें, अगर टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का यूज करना बहुत जरूरी है। अगर आप टेक्नोलॉजीज का यूज नहीं करेंगे तो आप जो एरा चल रहा है इसमें आप पिछड़ जाएंगे। तो आपको यूज करना है सभी चीजों का, मगर जो यूज करेंगे आप पूरा सिक्योरिटी सिस्टम्स यूज करके आप इन चीजों का यूज करें। आप जैसे कोई भी आपकी ईमेल्स आपको मिल रही है, आप उसको, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको कहीं से भी आ रहा है, आप उस डॉक्यूमेंट्स को पहले वेरीफाई करें। वेरीफाई करने का तरीका ये है कि कोई अटैचमेंट आया तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का उसको ओपन ना करें, ओपन करने से पहले उसको स्कैन कर लें। एक तो तरीका ये है, अगर आपका अटैचमेंट नहीं आता, आपका कोई अगर लिंक आता है, तो लिंक क्या होता है कि आप देखेंगे, आप उसको वेरीफाई करें कि लिंक किस, पहले आप आइडेंटिफाई करें कि लिंक किस जगह से आया है, ये बैंक से आया है या गवर्नमेंट से आया है या फिर आपके फ्रेंड ने भेजा है या फिर आपके टीचर ने भेजा है, किसी ने भी भेजा है, आप उस लिंक को पहले वेरीफाई करें। अगर किसी वेबसाइट के थ्रू आया है तो आप उस वेबसाइट में जाएं, नॉट क्लिक ऑन दिस लिंक, जो आपको मिला है उस लिंक में ना जाके उसकी वेबसाइट देखें जो भी है, और उस टाइप की इंफॉर्मेशन आपको उस वेबसाइट में मिलती है, तभी आप इस लिंक को क्लिक करें। तो इन चीज़ों से हमारा जो सिक्योरिटीज़ हैं, जो डेटा है, उसको हम सिक्योर कर सकते हैं। तो आज हमने इस जो लेक्चर सीरीज है, जिसमें हमने अब डेटा सिक्योरिटी के बारे में बात करी, ई बैंकिंग के बारे में बात करी, ई वॉलेट्स के बारे में बात करी। ई वॉलेट्स जो हैं आजकल हर कोई जो वेबसाइट है, जो फूड ऑर्डरिंग जो वेबसाइट है या फिर परचेज के लिए है, क्लोथ्स के लिए है, ई कॉमर्स के लिए है, इन सब में क्या है कि वॉलेट्स यूज कर रहे हैं, जिन्हें हम, एक अकाउंट आपका क्रिएट होता है, आपका एक वॉलेट यहाँ पे, एक अकाउंट वॉलेट आपका वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया जाता है, जिसका आप यूज़ कर, जिसमें आप अपने जो भी ट्रांजेक्शन है, कुछ बैंक से जो ट्रांजेक्शन है, आप उसमें जो मनी है उसमें आप होल्ड कर सकते हैं, और जो भी आपको शॉपिंग करनी है या फिर फूड आइटम्स आपको परचेस करना है, इस ई वॉलेट के थ्रू आप उसको परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको क्या होता है कि फिजिकली जो आपको पैसा देना है वो, उससे आप बच सकते हैं इन चीज़ों में। क्योंकि आजकल ये चीज़ें, जैसे आज कोविड का दौर चल रहा है, तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट भी हो गई हैं, थोड़ा सेफ्टी पर्पज से भी हो गई हैं। तो इन चीज़ों का आपको यूज़ करना है, मगर यूज़ तो करना है, कर रहे हैं आप, मगर जो भी सिक्योरिटी जो फीचर्स हैं आपको उनको भी ध्यान में रखना है। आपको सारी चीज़ें स्पेसिफाई करनी है, आप क्या यूज़ कर रहे हैं और क्या यूज़ नहीं कर रहे हैं। आपको बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं, साइबर जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होते हैं, ये आपको चीज़ें बताते रहते हैं, आपको उनको चीज़ों को सुनना है। आप बैंक की जो वेबसाइट है, बैंक की जो एडवर्टाइजमेंट आता है, वो लोग भी आपको अवेयर करते हैं कि आप ऐसे ऐसे तरीके से इसमें ना फंसें, आपको इन चीज़ों का यूज़ करना है। तो आपको इन चीज़ों को डेली बेस में देखते रहना है और सिक्योरली आपको यूज़ करना है। ठीक है, थैंक यू।